वायर की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। पढ़ाई लिखाई और खिलाड़ी के रूप में बेहतर करियर को दांव पर लगाते हुए मेरठ की एक किशोरी ने अपने अपहरण का ताना बाना कुछ इस तरह बुना कि परिजनों के साथ ही पुलिस प्रशासन के भी होश उड़ गए। अपने प्रेमी संग किशोरी ने बहन से इस कदर रोते हुए बात की कि उसे कुछ समझ नहीं आया। समझ आया तो बस इतना ही कि संभवतः उसका अपहरण हो गया है। पुलिस जांच में जुटी तो जो राज सामने आया उसे सुनकर हर कोई हैरत में पड़ गया। सामने यह निकल करके आया कि प्रेमी व खुद को बचाने के लिए उसने सारा खेल उन मनचली युवकों की तरफ मोड़ दिया था जिन्होंने कुछ समय पूर्व उसके साथ छेड़छाड़ की थी। मामला पुलिस तक भी जा पहुंचा था। किशोरी राज्य स्तरीय बॉक्सिंग खिलाड़ी है। मैं हूं रवि शर्मा और सच वही जो फर्स्ट बाइट दिखाया। दरअसल मेरठ प्रतापपुर निवासी किशोरी पढ़ाई के साथ बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करने कैलाश प्रकाश स्टेडियम जाती थी। करीब 2 साल पहले उसकी मुलाकात टेम्पो चालक आदिप से हो गई थी। आदिप लिसाड़ी गेट थाना अंतर्गत रशीद नगर जोगी वाली गली का रहने वाला है। वह 28 साल का है जबकि किशोरी नाबालिग है। आर शरीफ के पुत्र आदिप को पुलिस ने गिरफ्तार करते हुए किशोरी को बरामद कर लिया। आदिप को मीडिया के समक्ष पेश करते हुए एसपी सिटी विनीत भटनागर ने यह जानकारी दी। किशोरी जो प्रतापपुर की रहने वाली है और ये आदिप जो की थाना लिसाड़ी गेट क्षेत्र का रहने वाला है, लंबे समय से एक दूसरे को जानते थे। ये टेम्पो चलाता है, इस टेम्पो से ही वो अक्सर बैठ करके स्टेडियम आया करती थी। और इसी बीच में बताया जा रहा है कि इनका पूछताछ से पता चला कि इनका आपसी जो है निकटता हो गई। निकटता के बाद में इन लोगों ने साथ में भागने का फैसला किया कि घर छोड़ के चले जाएंगे। और इस पूरी घटना को कोई इनके पीछे ना लगे, कोई इनके इनकी जानकारी ना करे, इस प्रकार से उसने ये रूप देना चाहा। जो लड़की से पूछताछ में पता चला है कि कुछ दिन पहले उसने कुछ लड़कों को पकड़वाया था कि वो उसके साथ छेड़खानी करते हैं, ऐसा कह करके उसने थाना प्रतापपुर पे उनको पकड़वाया था, उनके बारे में सूचना दी थी। उसका 151 हुआ था उस युवक का, पहला शक उन्हीं पे गया। तो यही लड़की का प्रयास था कि वो इस प्रकार से जब करेगी तो शक उसी व्यक्ति पर जाएगा और पुलिस उनको पकड़ करके और इस मामले की तहरीर कर देगी। लेकिन हमारे लिए इसकी गंभीरता को इसको देखना था क्योंकि ये किशोरी थी, खिलाड़ी थी और सिटी के बिल्कुल बहुत हाई प्रोफाइल जगहों से जो है इसका जाना बताया गया था। साथ ही साथ इसका जिस प्रकार की ऑडियो इसने एक साजिश के तहत अपनी सिस्टर को बताया कि मेरा अपहरण हुआ है, उसका भी खुलासा होना बहुत ज़रूरी था। तो मुझे प्रसन्नता है कि हम लोगों ने 24 घंटे के अंदर इसकी बरामदगी करी है। सर्विलांस टीम ने और थाना सिविल लाइन्स के कुछ खास जो है कर्मचारियों ने इसमें बहुत बहुत मेहनत करके कार्रवाई करी है। तो इनके लिए जो है संस्तुति की जाएगी पुरस्कार हेतु। इस घटनाक्रम में और भी कुछ लोग निश्चित रूप से शामिल हैं, उनकी भूमिका की हम जांच कर रहे हैं। इनके साथ में प्रैक्टिस करने वाला एक और व्यक्ति पर प्रैक्टिस करने वाली है कि इनकी एक मित्र, वो भी उसकी भी भूमिका की जांच हो रही है। जहां पर लेके गए थे इसको रखा गया था उन व्यक्तियों की भूमिका की भी जाँच होगी। सारी चीज़ें हमारी विवेचना के क्रम में सारी बातें सामने आएंगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ। इसके लिए अपने फर्स्ट बाइट टीवी को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना न भूलें। और हाँ, कोरोना की तीसरी लहर ने रफ्तार पकड़ ली है, ऐसे में बेहद सतर्कता जरूरी है। भीड़ वाली जगह पर जाने से परहेज करें, मास्क पहनें और देखते रहिए फर्स्ट बाइट.tv। नमस्कार।